मु प्रथमे अनुरोध करी स्वरूप कुमार चाटर्जी को जे इफ्कोर कर्मकर्ता सार और तांकर जो विपणन कर तार समस्या कौन सार लोक मैंने किपर व्यवहार करमती करा कथा नुहे तार गोटे संक्षिप्त से रखिए। धन्यवाद। अर्गस टीवी द्वारा आयोजित आज सम्मेलनी रे मंचासीन अतिथिवृंद एवं मंच सम्मुखर थिबा समस्त अतिथि को मु पुणी थरे स्वागत करूछि। आज जो विषय वस्तु उपरे मते कहिवा पई सुजोग देइछंती सेति पई अर्गस नेटवर्क को मध्य मु पुणी थरे धन्यवाद जणाउछि। आज मते कहा जाइछि जे सार किपरि ठीक भावरे प्रयोग करा जिवो एवं सेही संबंधित किछि तथ्य दबा पई आमे बहुत वर्ष धरी चाष करिया चिराचरित पद्धति रे जमि रे दानादार सार प्रयोग करी थाउ। एहा द्वारा कौन हुए एही दानादार सार रे बहुत प्रकार केमिकल थाए जो रासायनिक पदार्थ गुड़िक माटी रे जाए एवं गछ तार जेतिकी दरकार सेतिकी ग्रहण कला परे बड़का रासायनिक पदार्थ गुड़िक सेही माटी रे रही जाए। कालक्रमे एहा माटी रो स्वास्थ्य खराब करिवा सहित माटी को अधिक अम्ल कर दिए एवं धीरे धीरे से ही रासायनिक पदार्थ गुड़िक माटी रो तल को जाई भूतल जल को मध्य प्रदूषित करे। एही पड़ी किछि वर्ष गला परे देखा गला जे देश रे विभिन्न जगार गैस्ट्रिक किंबा कैंसर रोग वृद्धि पाउची। गवेषणा करी जणा गला जे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ आमर भूतल जल को प्रदूषित करने द्वारा ताकू जत आम पीछू आमर विभिन्न प्रकार रोग होराकरण करने बेस किछि वर्ष धरी आमर वैज्ञानिक माने प्रयास करूथिले। गत पांच वर्ष तले इफ्कोर वैज्ञानिक माने एक दानादार सारर विकल्प भाव में एक नूतन सारर उद्भावन कले नानो सार बा संक्षेप रे कहिले जो अधिक रासायनिक पदार्थ आमे व्यवहार करी थाउ किपरी अल्प रासायनिक पदार्थ व्यवहार करी उत्पादन को जेतिकी होउछि ताकु मध्य बढ़ई पारिबा सेई जो टेक्निकटा सेटा होउछि नानो टेक्नोलॉजी जहाँ फल आपणकर एठी काउंटर मध्य करा जाइछि। आपण देखिबे नानो यूरिया आउ नानो डीएपी रो बोतल मान रखा जाइछि। गोटे आधा लीटर नानो यूरिया गोटे 45 केजी यूरिया बैग रो विकल्प भाव रे व्यवहार करा जाई पारुछि। सेही परि एक आधा लीटर रो नानो डीएपी गोटे 50 केजी डीएपी सार रो विकल्प भाव रे व्यवहार करा जाउछि। एहा द्वारा कौन होउछि एही नानो सार आमे माटी रे प्रयोग करूनु ताकु पानी रे मिसेई गछ उपरे सिंचन करूचु एवं सेथिरे एते अल्प मात्रा रे रासायनिक पदार्थ रहूची जे ताहा गछ भीतर ही मिलई जाउची। तार जो उत्पाद बा फल हो परिबा हो बा शस्य सेथिरे तार कोनोसी मात्र अंश रहूनी जहाँ फल रे कौन होउची आमे जेतेबेले किछि खाउचु से जो रासायन रो अंश आम शरीर भीतर को जाउनी। एटा होउची प्रथम जिनस आमे माटी रो स्वास्थ्य ठीक रखी पारलु। द्वितीय रे जो नानो यूरिया गोटे आधा लीटर बोतल रो दाम होची 225 टंका जहाँ कि गोटे 266 टंका रो यूरिया बस्ता को रिप्लेस करूची अर्थात चासी रो 10% इनपुट कॉस्ट कमी जाउची एवं सरकारंकर कोनोसी सब्सिडी सेथिरे रहु नाही। सेही भली गोटे नानो डीएपी बोतल केवल 600 टंका जोटा कि गोटे डीएपी बस्ता जहार मूल्य 1350 टंका ताकु रिप्लेस करूची अर्थात गोटे नानो डीएपी व्यवहार करिवा द्वारा चासी 750 टंका संचय करूची एवं सरकार रो सब्सिडी मध्य बंचुची। मोट उपरे कहिवाकु गले एही नानो सार द्वारा चासी रो इनपुट कॉस्ट कमी जाउची एवं सरकारंकर सब्सिडी मध्य बंचुची। तृतीय जिनस एही नानो सार
व्यवहार करिवारे चासी मानंकर गोटे असुविधा थिला जोटा कि स्प्रे करिवा तार मध्य विकल्प हिसाब रे आमर पूर्वरु मंत्री महोदय जो कहुतिले ड्रोन टेक्नोलॉजी मध्य इंडिया रे आसी पहुंचिलाणी आमर एठी मध्य जणे एपीओ अछंती कोरापुट रो जिए गत वर्ष ड्रोन आनीथिले एवं बहुत भल भाव से ड्रोन टाकु मध्य यूज करुछंती एवं चासी मानक पाखरे पॉपुलर हो गलाणी ड्रोन रे सुविधा कौन आगे जो पारंपरिक स्प्रेयर थिला सेथिरे गोटे एकर स्प्रे करिया पई 200 लीटर पानी दरकार होतिला धीरे धीरे बैटरी चालित स्प्रेयर रे 125 लीटर रे हला एबे ड्रोन माध्यम रे 10 लीटर पानी रे गोटे एकर स्प्रे हेई परिवो एवं 5 मिनिट रे गोटे एकर स्प्रे हेई जीवो तेणु एई ड्रोन मध्य आगामी दिन रे गोटे एंटरप्रेन्योर हिसाब रे जणे लोक गोटे ड्रोन रखी कि सी मध्य तार इनकम जनरेट करी परिवो जेभली एबे ओडिशा रे प्राय 100टा कोऑपरेटिव सोसाइटी रे गवर्नमेंट तरफ रु ड्रोन दिया जाउची एवं आमे मध्य इफको तरफ रु किछि ड्रोन सप्लाई करिवु एको गोटे कस्टम हायरिंग सेंटर भलिया व्यवहार करा जीव जोथिरे चासी को एकरटे स्प्रे करिया पई अराउंड 200 टंका खर्च हेबो तेणु चासी रो स्प्रे करिवा खर्च मध्य कमी जीव जदि गोटे एपीओ गोटे ड्रोन आने तेबे आमे हिसाब करी देखुथिलु जदि 120 दिन वर्ष रे स्प्रे हुए एवं गोटे दिन रे 25 एकर स्प्रे करि परिवो तेबे वर्ष शेष रे सेई जो एपीओ रो 4 लाख रु 5 लाख टका सेविंग हेई परिवो सेथि पई ए ड्रोन मध्य गोटे इनकम जनरेशन हिसाब रे एपीओ मानंकर सेटा काम रे लागि परिवो इफको आजिकालि तारो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मध्य चेंज कर देछि आगे आमे कोन करथुलु होलसेल डीलर को दोथिलु सेठु रिटेलर नोथिले सेठु चासी माने नोथिले किंतु वर्तमान आमर ए जो नॉन सब्सिडाइज प्रोडक्ट एउडा का आमे जे कोनोसी एपीओ चाहिले आमो थारु डायरेक्ट डीलरशिप मध्य नै पारिबे तेनु एपीओ माने डायरेक्टली नॉन सब्सिडाइज प्रोडक्ट पई आम सांगे मिसी से माने डायरेक्ट मध्य बिजनेस करी परिवे एपीओ एवं समवाय समिति एमानंकर माध्यम रे चासी मानंकर किपरि उन्नति हेबो से दिगरे आमे काम करूचु एति कोई मोर वक्तव्य शेष करूची धन्यवाद।